बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पार्टी पर एक बार फिर सीधा हमला बोला है। जेपी नड्डा ने अब से कुछ मिनट पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला है कि सरकार के पैसे को, देश के पैसे को, देश की जनता के पैसे को राजीव गांधी फाउंडेशन की तरफ क्यों डाइवर्ट किया जाता रहा। सबसे पहले बीजेपी ने आरोप लगाया था कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से चंदा मिला। उसके बाद बीजेपी ने इस हमले को और तेज करते हुए यह आरोप लगा दिया कि राजीव गांधी फाउंडेशन में प्रधानमंत्री राहत कोष से पैसा डाइवर्ट किया गया। और आज बीजेपी की तरफ से यह आरोप लगाया गया कि अलग अलग पीएसयूज की तरफ से भी राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा दिलवाया गया यूपीए की सरकार के दौरान। तो एक के बाद एक लगातार बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी का नाम लेकर बीजेपी ये निशाना साध रही है कि यूपीए के समय में सोनिया गांधी ही राजीव गांधी फाउंडेशन की अध्यक्ष थी। उनकी स्थिति उस समय पर क्या थी, क्यों वो पैसा वहां पर डाइवर्ट किया गया, इस पैसे के डाइवर्जन में उनका क्या रोल था, ये सारे सवाल बीजेपी लगातार उठा रही है। तो इस पर भी बात होगी, बताएंगे आपको कौन कौन से मेहमान हमारे साथ आज दंगल में होंगे। लेकिन उसके पहले आपको सुनवा देते हैं जेपी नड्डा का बयान। एक 130 करोड़ का देश जानना चाहता है कि आपने सत्ता में रहते हुए क्या क्या काम किया और किस तरीके से आपने देश के विश्वास के साथ विश्वासघात किया है, उसकी जानकारी लेना चाहता है। मैंने कुछ दिन पहले, दो दिन पहले ट्वीट करके राहुल गांधी फाउंडेशन के विषय पर प्रश्न उठाए थे, आरजीएफ पर मैंने प्रश्न उठाए थे। आज पी चिदम्बरम साहब बोलते हैं कि प्रिजम्प्टिव ऑफर है हमारा, और वो प्रिजम्प्टिव ऑफर ये है कि राजीव गांधी फाउंडेशन वो पैसा वापस लौटा देगा। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर पूर्व वित्त मंत्री, जो खुद बेल पर हो, हम समझ सकते हैं व्हाट आर द क्रेडेंशियल्स, लेकिन उसके द्वारा यह स्वीकारना होगा, इट इज एन एक्सेप्टेंस कि देश के हित अहित में राजीव गांधी फाउंडेशन ने फंड्स भी लिए और उन फंड्स को नैतिकता के आधार पर जो नहीं लेना चाहिए था, जो नियमों के अनुसार नहीं लेना चाहिए था, वह लेने का प्रयास हुआ है। और इस परिवार का हम सब जानते हैं एक ही तरीका है, अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। राजीव गांधी फाउंडेशन को आज 2019 में 100 करोड़ का कॉर्पस एज ऑन इवेल्युएटेड ऑन 2019। मैं जानना चाहता हूं कि राजीव गांधी फाउंडेशन को जवाहर भवन के नाम पर वह जमीन करोड़ों की परपेचुअल लीज पर कैसे दी गई। व्हाई वाज इट गिवन एंड व्हाई वाज इट सिलेक्टेड ओनली टू बी गिवन एट सच ए कॉस्टली प्लेस ऑन ए परपेचुअल लीज, यह भी देश जानना चाहता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 100 करोड़ रुपए इनको 1991 के बजट में दिया। उसके बाद कंटिन्यूअस मिनिस्ट्रीज ने, वेरियस मिनिस्ट्रीज ने इनकी फंडिंग की, पीएसयूज ने फंडिंग की, बट नाउ द पीपल ऑफ इंडिया वॉन्ट्स टू नो दैट वाई द अकाउंट्स ऑफ राजीव गांधी फाउंडेशन रिफ्यूज फॉर द सीएजी ऑडिटिंग। क्यों ऑडिटिंग नहीं हुई, वाई इट वॉज रिफ्यूज, वाई आरटीआई वॉज नॉट एप्लीकेबल इन राजीव गांधी फाउंडेशन। ये इनके अधिनायकवाद का, ये इनका अहंकार का सूचक है। ये कोविड के कारण या चाइना की जो सिचुएशन है उसके कारण मूल प्रश्नों से बचने का प्रयास सोनिया जी न करें, क्योंकि भारत की बहादुर फौज सक्षम है देश की रक्षा करने में, देश की सरहदों की रक्षा करने में, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित भी है, मजबूत भी है, और देश के जांबाज हमारे आर्मी के लोग देश की रक्षा करने में सक्षम हैं, उसकी संप्रभुता से लेकर और बॉर्डर्स की रक्षा करने में आवर आर्मी पीपल आर केपेबल।